तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है आपका रिवीजन का, जिसको लेकर आप सब परेशान रहते हैं। तो रिवीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपके ब्रेन की बातें बताता हूँ, दिमाग कैसे काम करता है। आम तौर पे कहानी कुछ ऐसी होती है जो हमने पढ़ा है। साइंस कहता है कि भाई जो भी आपने पढ़ा हो उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा दोहरा लिया जाना। ये सब चीज़ें संभव मुझे नहीं लगती हैं, खासकर UPSC एग्जाम पे। साइंस का कहना है कि यदि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, जैसे आज की क्लास आप पढ़ के जा रहे हो, इसी को घर पे दोबारा पढ़ लीजिए तो आपका चीज़ें दिमाग में याद रहेगा, ऐसा साइंस कहता है। फिर साइंस कहता है कि 24 घंटे में एक बार रिवीजन होना चाहिए, फिर इसके बाद 7 दिन बाद एक रिवीजन होना चाहिए, फिर ये कहता है कि 30 दिन बाद फिर एक रिवीजन होना चाहिए, मतलब सेम चीज़ का। तो ये बड़ा पॉसिबल नहीं है, आप भूल जाओगे 7 दिन बाद कि आपने क्या पढ़ा था 7 दिन पहले, फिर अगले दिन का, ऐसा बहुत कठिन है ये काम। इतना सारा नया नया टॉपिक निकल के आता है, तो रिवीजन का जो ये साइंपटिक मेथड लोग बताते हैं, मुझे नहीं लगता है व्यवहारिक पहलू के तौर पे UPSC के एग्जाम के लिए हो सकता है। देखो एक चीज बताऊं, पहली बात, एक आपके अंदर मनोविज्ञान, एक रोग है आपके अंदर, मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग को आज जान लीजिए। मानसिक रोग आपको लगता है कि आपको चीज़ें भूल जाती हैं, ये रोग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग ने बनाया इस चीज़ को। आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको भूल जाती है या आप गलत सोचते हैं, कुछ भी नहीं भूलता हमको, हमारे ब्रेन को सब कुछ याद रहता है, यहाँ तक कि हम कुछ भी सपने में कुछ भी देखते हैं तो भी वो याद रखता है कुछ समय तक, ठीक है। और वो भूलता नहीं है, वो अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है आपका, और फिर कभी याद आती वो घटना। किसी को पहली बार भी मिलोगे, जब दोबारा मिलेगा तो भी याद आएगा। तो मूल रूप से देखा जाए तो हमें कुछ भूलता नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आपको हर बात लगती है कि आपको भूल जाती है। कुछ नहीं भूलता हमें, सब याद होता है, हर चीज़ याद होती है। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आपके कानों में गया, जो भी आपके ब्रेन में गया, जो भी आपने पढ़ा, ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है और उसको अपनी मेमोरी में वो कर लेता है। एक चीज और बताऊं, भूलना एक बहुत बड़ा वरदान भी है। यदि हम चीजों को भूले ना, हम मर जाएंगे। यदि हम चीजों को भूले ना तो हम मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, सोच सोच के ही मर जाएंगे। इसलिए भूलना एक वरदान है, ये एक अभिशाप नहीं है। जिसको लगता है मैं भूल जाता हूं, जो कहता हूं मुझे सब याद रहता है, वो मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है ना। इतनी चीजें आपकी जिंदगी में गुजरती हैं जिनको भूलना अनिवार्य होता है, यदि आप उन्हें भूल नहीं पाए तो आप निपट जाएंगे। और आम तौर पे यही होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें भूल नहीं पाती हैं, जिस कारण से आप परेशान रहते हो मेंटली तौर पे। तो ये भूलना कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप चीज़ भूल गए, ये बीमारी है, ये लगना बीमारी है, भूलना बीमारी नहीं है। क्योंकि दिमाग तो भूलता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं पर ऐसी जगह पर स्टोर करके रख देता है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर निकाल लो वहाँ से, ठीक है। आपका डेटा एक बड़ी हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता जा रहा है और आपको बताता नहीं कि देखो स्टोर है। तो डेटा आपके दिमाग में सब स्टोर है, बचपन से लेके आज यहाँ तक। क्या अब चूंकि मैं पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, तो आपको बहुत लोगों को तो ऐसे भी होते हैं जो पुरानी बातें भी याद होती हैं, मरने से पहले की चीज़ें भी याद होती हैं। सबको नहीं याद, जैसे मुझे नहीं याद है, मैं नहीं मानता, ठीक है, कुछ को लोगों को होती हैं। तो मेमोरी आपके पास बहुत बड़े स्तर की है, आप इसको दिमाग में बैठा लो कि ये सब जो रिवीजन है ना, ये एक साइकोलॉजिकल पहले अपने दिमाग से हटाओ कि कोई भी चीज़ आप भूलते हो, सब आपके दिमाग में है। अब करना क्या चाहिए, देखो मैं रिवीजन के लिए अब जो मेन पहलू है उस पर बात पे आते हैं। ये संभव नहीं कि आप 24 घंटे में, 7 दिन में, 30 दिन में ये पूरा शेड्यूल बनाएं और डेली का याद रखें कि भाई आज मैंने ये पढ़ा था, कल मुझे ये रिवीजन करना, फिर 7 दिन बाद करूंगा, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने सब्जेक्ट है, इतनी चीज़ें हैं, कैसे रिवाइज करोगे, नहीं हो पाता है। रिवीजन कब करना चाहिए, देखो क्या होता है, एक ना एक दिन आपका 7 दिनों में या 30 दिनों में या 15 दिनों में एक दो दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, जब परेशान होते हो, आपको लगता है कि क्या हो रहा है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसमें आपको शंका पैदा होने लगती है, आपको शंका पैदा होने लगती है अपने पढ़ाई के ऊपर कि मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे सब कुछ भूलता जा रहा है, कोई पूछने लग जाता है तो आपके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। तो वो सारी कंडीशंस जब आए आपको, तो मैं आपको सबसे अच्छी सलाह देता हूँ, आप उसी टाइम पर रुक जाइए, नया पढ़ना छोड़ दीजिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन चालू करिए। जब भी आपको शंका चालू हो अपने दिमाग में, तो जितना अभी तक आपने इकट्ठा किया ना, अब उसी को रिवाइज करना शुरू करिए। और रिवीजन के लिए मैंने जो नोट्स बनाने का तरीका बताया है, नोट्स को रिवाइज करना है, ना कि मूल प्रति को रिवाइज करना है कभी भी।
नोट्स रिवाइज किए जाते हैं, ना कि मूल प्रति रिवाइज की जाती है किसी भी चीज़ की। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत अनिवार्य होता है। एग्जाम टाइम पे भी आपके नोट्स ही आपको रिवीजन में काम करेंगे। तो जब भी किसी भी दिन आपको लगे कि आपको, जैसे कि कल के दिन किसी दिन छुट्टी मिल जा रही है, कुछ भी, उस दिन नया मत पढ़ो, उस दिन पुराना पढ़ लो पूरा जितना आपने पढ़ा, ताकि इतनी यात्रा मैं कर चुका हूँ, इतनी यात्रा मैं बेहतर हूँ कि नहीं हूँ। डेली बेसिस में आप करोगे आप परेशान हो जाओगे। तो महीने में एक दो दिन, चार दिन ऐसे आपको मिलेंगे जिस दिन आपको डिस्टर्ब होगा दिमाग, परेशान होगा दिमाग, तो नया पढ़ने की जगह पुराने पे ही काम किया जाए, चूंकि वो दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है, तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? ये डेली का रूल है, भूल जाओ ये। बहुत लोग दिमाग बताते हैं कि दिमाग ऐसे काम, अरे दिमाग कैसे नहीं काम करता, दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है, दिमाग कुछ भूलता नहीं है, झूठ बोलते हैं कि भूल जाता है दिमाग। ये तो झूठ है, ये तो हमारे साथ भ्रम फैलाया जा रहा है कि दिमाग सब भूल जा रहा है। क्या भूलता है दिमाग बताओ? बचपन के भी 500 बातें आपको याद होंगी, जो आपको रटा था आपने, उसका रिवीजन किया था। अभी मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछ लूंगा, आप बताना शुरू कर दोगे। दिक्कत यह है कि आपके दिमाग ने उसको बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से उसको चीजों को ये किया। कितनी घटनाएं आपको याद होंगी जिनका आपने कभी रिवीजन नहीं किया। तो दिमाग कुछ नहीं भूलता है। तो जो ये लोग बोलते हैं कि कुछ भूलता है दिमाग, ये झूठ बोलते हैं। पहली बात तो ये, हम कुछ नहीं भूलते हैं। और दिमाग इसलिए भूलता है ताकि आपको शांत रख सके, आपके ब्रेन को शांत रखेगा, तभी तो आगे कंसंट्रेशन करोगे। लोग कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, ये कहते हैं ना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मैं कहता हूँ ध्यान हटाओ तभी तो लगाओगे भाई। किसी दूसरी चीज़ से ध्यान हटाओ तब तो किसी दूसरी चीज़ में ध्यान लगेगा। पहले तो आपको ध्यान हटाना सीखना चाहिए, तब ध्यान लगाना आना चाहिए। ये तो कितना बड़ा भ्रम फैलाते हैं लोग। कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कोई कहता है इस पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है उस पे ध्यान लगाओ। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि ध्यान हटाए कैसे, दूसरी चीज़ में दिमाग बैठा हुआ है ना। अभी आप लोग का, आधे लोगों का दिमाग हो सकता है क्लास से बाहर हो, कहीं और बैठा हो, पहले वहाँ से हटाइए। जब हटेगा तभी तो लगेगा। बात को समझो, ब्रेन को कार्य करने की शैली को समझो, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट। तो दिमाग को ध्यान हटाने के लिए भूलने की पावर दी गई है, जिसको आप भूलना कहते हैं, जबकि भूला नहीं है आपका दिमाग, ये तो जाके कहीं स्टोर कर दिया गया। और आप अगला काम कर पाए जिस पे आपका ध्यान लग सके प्रॉपर, तभी तो ये पावर आपको मिली है। इस पावर का यूज करिए, इस पावर को समझिए। ये पावर यदि नहीं होगी तो आप एक ही चीज में मर जाएंगे जिंदगी भर, दूसरी चीज पे कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पावर है, इसको कमजोरी मत समझिए, ठीक है। अब आपको जब भी किसी भी टाइम पे, दो दिन का तीन दिन का टाइम लेकर के, जब कभी बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत परेशान हो, बहुत लगे कि क्या है, तो सब रोकिए, थोड़ा सा ब्रेक में जाइए। और ब्रेक में जाकर जितना आपने काम किया हो नोट्स के तौर पे, इसीलिए कहता हूँ नोट्स बनाना अनिवार्य है, उस सेल्फ नोट्स को देखो। नोट्स हम भी बना रहे हैं, आप अभी क्लास में नोट्स बना के जा रहे हैं, इस नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए। शॉर्ट नोट्स मतलब मिनिमम, ठीक है, बहुत कम पे, डेट वाइज हर चीज को। किताब पढ़ते हैं उसको भी उसी में इन्वॉल्व कर दीजिए, यानी एक मास्टर नोट्स आपका बनना चाहिए। उस नोट्स का रिवीजन करना है आपको, बस रिवीजन आप पूरी किताब का नहीं कर पाएंगे, फिर आपको 2 साल लग जाएंगे पूरी किताब पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट नोट्स, इसीलिए महत्व होता है शॉर्ट नोट्स का, बुलेट पॉइंट का महत्व होता है। तो इस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? रिवीजन ऐसे नहीं होता कि आप आज का, ये सब चीज़ें क्या होती है ना, रेगुलर बेस पे नहीं हो पाएंगी। रेगुलर बेस पे आप तभी हो सकता है कि आप अचानक से रुकें और पुराना जितना सेक्शन है वो सारा उठाएं और उसको रिवाइज करके छोड़ दें, अच्छा हो गया, नया पढ़ना बंद कर दें, इसी से रिवीजन चालू हो जाता है। नया पढ़ते रहेंगे क्योंकि दिमाग की प्रवृत्ति क्या है, वो हमेशा नया चाहता है। आपने एक बार मूवी देख ली, दोबारा मन नहीं करता, दिमाग को लगता है नहीं 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 अब नहीं जाओ, अब नहीं देखना। दिमाग हमेशा नया चाहेगा, रिवीजन नहीं चाहेगा उसका। तो रिवीजन तब चाहेगा जब दिमाग हतप्रत हो जाए, परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, दिमाग को लगने लग जाए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो पहले उसको पुराना दिखा दो कि पहले पुराना पूरा पढ़ ले भाई, जितनी यात्रा तूने किया है इतनी यात्रा बढ़िया रहे तेरी, बस फिर आगे का नया बाद में पढ़ेंगे। हम नया पढ़ते ही रहते हैं, इस कारण से डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो रुक करके पुराना आपको रिवाइज करना है, ये रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। अब जैसे आपको छुट्टी का दिन कल मिल रहा है, अगले दिन मिल रहा है, कभी भी मिल रहा है, कोई तिथि त्यौहार पड़ गया, उसमें आप बढ़िया कर सकते हैं ये काम को। रुके, एक सब्जेक्ट उठाए, उसका पूरा रिवाइज, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया, मुझे पूरा याद हो गया, पूरा पता हो गया। एग्जाम के एक रात पहले आप क्या करते हो बताओ? अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए, आपने बीटेक में दिया या फिर आपने 10वीं 12वीं में दिया या फिर आपने ग्रेजुएशन में दिया, यही तो होता है, एक रात की तो कहानी होती है। ब्रेन को चूंकि अपने ऊपर, अब वो क्या होता है, वो यही है, ये पावर आपकी, कुछ भी भूला नहीं था आपको,
और तुरंत आपने एक रात में पूरी किताब निपटा दी, अगले दिन गए 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको लिख के चले आए, पेपर बढ़िया चला गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ ब्रेन के पास बहुत पावर है, उसको सही इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। जब भी कभी ध्यान लगाना हो, ध्यान लगाने से पहले ध्यान हटाओ, पहले देखो दिमाग में कहाँ कहाँ चल रहा है। जब पता चल रहा है कि अभी ये घर पे चल रहा है, कि अभी मम्मी का फ़ोन नहीं आया है, तो पहले वो फ़ोन कर लो, नहीं वो फ़ोन परेशान कर देगा आपको, वो ध्यान नहीं हटने देगा आपका, या तो उससे दूर रहो चीज़ों से। तो आपको पहले ध्यान हटाना है तब ध्यान लगेगा, नहीं तो कभी ध्यान नहीं लगेगा, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास चीज़ें हैं। तो आपको रिवीजन करने का एक ये बेहतरीन सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो करिएगा, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी, आपका काम, ठीक है। कल का दिन जैसे आपको कुछ फ्रेश नहीं पढ़ना चाहिए, जितना अभी तक पढ़ा उसी को रिवाइज करना चाहिए। एक टाइम बना लो अपना, जैसे संडे का दिन है, संडे के दिन तो मैंने नो स्टडी डे बताया है कि उस दिन पढ़ो ही नहीं। नो स्टडी का मतलब है फ्रेश नहीं पढ़ना है, आप उसको रिवीजन कर सकते हो। तिथि त्यौहार बहुत सारे आते हैं, भारत में तो त्यौहारों की कमी है। अभी 15 अगस्त आने वाला, हमारा राष्ट्रीय पर्व आने वाला है ना, वो भी एक दिन है। उस दिन को ऐसा नहीं है, देखो स्टूडेंट लाइफ में हर चीज़ को सेलिब्रेट करते चलो, लेकिन प्राथमिकता में किसे रखना है, प्राथमिकता में अपनी पढ़ाई ही रखना है। सारे तिथि त्यौहार सब कुछ आएगा, दीपावली, होली, दशहरा, दुनिया भर की जयंती, अभी बकरीद आने वाली है, ईद आने वाली है, इतने सारे धर्म है, सभी धर्मों के त्यौहार, सभी में छुट्टियाँ हैं। तो खूब रिविज़न का टाइम मिल सकता है आपको, खूब खूब बहुत सारा रिविज़न का टाइम। इसलिए आप रिविज़न ऐसे करें, यदि आपका तब भी मन नहीं लगता, आपको लगता नहीं मुझे डेली बेसिस पे ही रिवीजन करना चाहिए, तो एक रिवीजन स्लॉट बना ले, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, ये भी कर सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप ये वाला पीरियड में आप ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आपने नया पढ़ना छोड़ दिया, अब आपके दिमाग से नई चीज़ पढ़ने की भनक खत्म हो गई, अब आप केवल पुराने पे काम करेंगे कि चलो पुराना ही मैं देख लेता हूँ। दरअसल यदि दोनों को मिक्स कर देंगे ना, नए पुराने को, तो ब्रेन उतने अच्छे से काम करता नहीं है। नए को बंद करिए, रोकिए, और पुराने पे काम करिए, जितना आपने अभी तक पढ़ा, जितना आपने ग्रहण किया, उसी को मजबूत बनाइए, तो आप बहुत अच्छा रिवीजन कर पाएंगे ब्रेन के स्तर पे, जितना मैंने समझा है। जिस दिन मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कुछ होती है, मैं पुराना मटेरियल लेके अपना बैठता हूँ कि चलो इसी पे काम करते हैं, नया मत पढ़ो उस दिन, बस ये ध्यान रखो, नई किताब नहीं पढ़ना, नया कुछ नहीं करना, 4 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं पीछे के, वही पढ़ लेते हैं बस, है ना, वो भी तो पढ़ने हैं ना, उससे भी सबसे इसीलिए पढ़ा था ना आपने, तो नए को रोक के पुराना पढ़ना, ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, दिमाग का पढ़ने में मन ना लगे, दिमाग आपको बहुत परेशान करे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पुराने पे चले जाओ, क्योंकि वो चीज़ आपने पढ़ रखी तो आसानी से आपको समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। चलो ये है रिवीजन करने का एक बहुत सिंपल और आसान तरीका। बाकी अपना टाइम जो है निश्चित तौर पे नए पे लगाए रहो, बहुत सिलेबस है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, 1-1.5 साल का टाइम है, 1-1.5 साल में हमें इतना सारी चीज़ें पढ़ना है और उसको साथ साथ रिवीजन भी करते जाना है, ठीक है। चलो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास